आज यहाँ पर गुलपोशी की गई मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के ख्वाजा मियाँ और एजाज भाई की तरफ से और मोइन शेर और पप्पू की तरफ से यहाँ पे गुलपोशी किया गया है। ये लोग स्टेट में फर्स्ट आए, फिर आज डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले थे नेशनल को जाने के लिए, उसके अंदर ये लोग फर्स्ट आए, इसलिए यहाँ पर इनकी गुलपोशी की गई है। कुश्ती में, रेसलिंग कुश्ती में क्वालीफाई हुई? हाँ, नेशनल के लिए क्वालीफाई हुए ये लोग। कहाँ पर हुआ था ये? अली उस्ताद अखाड़े में। दोनों मेरे बच्चे के सर के, मैं ये बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है, मैं इनको दोनों को मैं अपने से ही कराता हूँ। आपकी शागिर्द? हाँ, मेरे शागिर्द है। अब तक बार बोल सका अभी तक नहीं, बोलते भी 6-7 टाइटल जीत चुके हैं, 6-7 बिन अली है। ये मेरे उस्ताद सालम बिन यूसुफ। मैं अब स्टेट में सेलेक्ट हुआ, स्टेट में चैम्पियन बना, नेशनल को सेलेक्ट हुआ। अब इंशाल्लाह आपकी दुआ है तो नेशनल में भी इंशाल्लाह गोल्ड लगेगा, इंटरनेशनल में भी गोल्ड लगेगा इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआ। कितने किलो से आपका कॉम्पिटिशन? 92 कैटेगरी में गोल्ड है स्टेट में। आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अब इंशाल्लाह नेशनल को जाना, नेशनल में प्लेस लगाना, हैदराबाद को रिप्रेजेंट करना है। जो भी हूँ सहद की तरफ से हूँ, पूरा सपोर्ट था, बेटे का था ट्रेनिंग देते जी। सालम, सालम पहलवान का बेटे, मेरे को मेरे फादर सालम बिन यूसुफ ट्रेनिंग देते हैं और मेरे उस्ताद भी है वो, और उनकी प्रैक्टिस के वजह से अंडर 23 नेशनल ट्रायल्स में मैं गोल्ड लिया 86 kg में, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड और कितने टाइटल जीते मैं अब तक? 7 टाइटल जीता स्टेट में, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, ये अंडर 23 था जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जीत हुई। नौजवानों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? उन लोग को भी ये कहना चाहूँगी वो प्रैक्टिस करें और नमाजों की पाबंदी करें, शाम में जल्दी सोए और सुबह प्रैक्टिस करें, पढ़ाई लिखाई में तजुर्बा जी।